श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 14 मार्च 2022 को आमलकी एकादशी व्रत है। हर महीने दो एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो इस बार की जो एकादशी है, जो कि 14 मार्च 2022 को पड़ रही है, उसका नाम आमलकी एकादशी है। इस एकादशी को आप आंवले से एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन से नहीं टिकता है, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपसे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, तो आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो आप कर्जे में हमेशा डूबे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो एकादशी का यह एक उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। आपको एकादशी के दिन गंगा जल को एक लोटे में ले लेना है, शुद्ध गंगा जल को एक लोटे में ले लेना है, यानी कि भर लेना है उसी लोटे के अंदर, यानी कि गंगा जल के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालनी है और 7 आंवले के फल को डालना है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। और अब आप मंदिर में गए तो सामने जो नंदी बाबा रहते हैं शिवलिंग के आगे, उनका जो चरण उठा हुआ होता है पांव, उस पर आपको गंगा जल को समर्पित कर देना है। और अब आना है आपको भगवान भोले के शिवलिंग के सामने और 7 बेलपत्र और आंवले के फल को एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और इस उपाय को करने के बाद आपने जिस कामना से इस उपाय को किया है, यानी कि धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है आपकी, तो आप यह उपाय भगवान शिव के सामने बोल दीजिए और भगवान शिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, आप जरूर से करके देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा हो, अगर आपने पूरे मन पूरी श्रद्धा से इस उपाय को कर किया तो आप सब कुछ भगवान भोले की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप यह उपाय करके देखिएगा, निश्चित ही आपको मनोकामना भगवान भोले की कृपा से पूरी होगी। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।